बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ग़ुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं नहीं रहे हैं। ये हमने एक दो दिन पहले आपको वीडियो दिखाई थी कि यहाँ पर हमारी राया की फसल थी, तो राया की हमने कटाई करवाई और राया को निकलवाया। तो उस दौरान भी हमने आपको बताया था कि हमारा प्रोग्राम इस ज़मीन में मकई लगाने का है। तो जैसे ही राया से ये ज़मीन खाली हुई है, उसके साथ ही हमने इसको रोटावेटर डाल के और हल वगैरह चलाकर ज़मीन को तैयार करके आज हमने मकई लगाने के लिए इसमें खेरियाँ जो हैं वो निकाल दी हैं। आज मार्च की 12 तारीख है। मौसम जितना गर्म होना चाहिए, पिछले सालों में जितना मौसम गर्म होता था मार्च में, उतना मौसम गर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग है जिसका सबसे ज़्यादा तो हमारा मुल्क पाकिस्तान इससे मुतासर हुआ है कि मौसमों में तब्दीली आ रही है। तो जो पिछले सीज़न थे उनके मुताबिक तो देखा जाए तो ये मकई काफ़ी लेट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी हम मकई लगा रहे हैं, अभी रात को ये दर्जा हरारत काफ़ी कम होता है और दिन में भी अभी तक 30 सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत कम है। एक तो इसकी जो जर्मिनेशन है वो जल्दी हो जाएगी, ये हमें उम्मीद है कि 3 से 4 दिनों में ये मकई बाहर निकल आएगी। तो आपको बताने का मकसद है कि अगर आपने जो राया की फसल है वो अगर आपकी अक्टूबर काश्त है, तो फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में आपकी राया की ज़मीन खाली हो जाती है, तो उसके ऊपर आप मकई काश्त कर सकते हैं। ये मकई हमने पिछली दफ़ा भी इसके ऊपर काश्त की थी, तो उस मकई का भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा था, क्योंकि पिछली दफ़ा तो वैसे भी मकई का ओवरऑल रिज़ल्ट वो 100 मन से ऊपर था, तो जो राया वाली फसल मकई थी उसने भी तकरीबन 100 मन से ऊपर ही दिया था एवरेज। तो इस दफ़ा भी आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी अच्छी फसल निकलेगी। तो अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।